बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फैंटास्टिक किचन कॉर्नर में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कढ़ाई चिकन ग्रीन मसाला की रेसिपी। बहुत टेस्टी, सिंपल और इजी रेसिपी है। अगर आप ये बनाना चाहते हैं तो इस रेसिपी को फॉलो कीजिए, आई एम श्योर आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए फिर रेसिपी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। कढ़ाई चिकन ग्रीन मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हाफ बंच हरा धनिया, हाफ बंच पुदीना, 7 से 8 लहसुन की कलियां और 7 से 8 ही हरी मिर्चें और 2 बड़े साइज की रफली कट प्याज। अब प्याज और ग्रीन मसाले का अलग-अलग पेस्ट बना लेंगे। अब पैन में 1 कप कुकिंग ऑयल ऐड करके हल्का सा गर्म करेंगे और ग्राइंड किया प्याज का पेस्ट ऐड करके चलाते हुए इतना फ्राई करेंगे कि प्याज का पेस्ट अच्छी तरह भुन जाए और ऑयल सेपरेट हो जाए। प्याज का पेस्ट अच्छी तरह फ्राई कर लिया है। अब इसमें 1 kg चिकन और साथ ही 1 teaspoon जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 cup दही जिसको बीट करके ऐड किया है और साथ ही ग्राइंड किया ग्रीन मसाला भी ऐड करेंगे। अब इन सब को चिकन के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 1 teaspoon या टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट, 1/2 teaspoon हल्दी पाउडर, 1 teaspoon रेड मिर्च पाउडर और 1 teaspoon धनिया पाउडर ऐड करके सबको चिकन के साथ मिक्स करते हुए हाई फ्लेम पे थोड़ी देर तक कुक कर लेंगे। फिर 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे कवर करके कुक करेंगे। अब 10 मिनट बाद कवर हटा दें, चिकन तकरीबन टेंडर हो गई है। अब फिर से फ्लेम को हाई करेंगे और इसमें एक बड़े साइज का बिल्कुल रेड कलर का टमाटर और एक बड़े साइज की शिमला मिर्च ऐड करके मिक्स करेंगे और टमाटर शिमला मिर्च को भी चिकन के साथ 1 से 2 मिनट तक हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे। टमाटर शिमला मिर्च के साथ चिकन को 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लिया है। अब कवर करके बस 1 मिनट तक और दम करेंगे तो हमारी कढ़ाई चिकन मसाला रेडी हो जाएगी। हमारी कढ़ाई चिकन ग्रीन मसाला रेडी हो गई है। आप इसकी ग्रेवी का टेक्सचर और लुक देख सकते हैं कितना अच्छा आया है। अब इसमें 1 teaspoon गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। आप चाहें तो चॉप हरा धनिया भी ऐड कर सकते हैं। सिर्फ 15 से 20 मिनट में बहुत ही उम्दा जायके और कलर के साथ ये डिश बनके तैयार हो जाती है। चिकन कढ़ाई बिल्कुल रेडी टू सर्व है। चलें अब इसे एक सर्विंग डिश में डिश आउट कर लेते हैं। कढ़ाई चिकन ग्रीन मसाला की इस रेसिपी को आप चपाती के साथ सर्व कीजिए और तंदूरी नान और तंदूरी रोटी के साथ तो इसका बहुत ही जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। सो आप इस डिफरेंट सी डिलीशियस सी और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनने वाली रेसिपी को एंजॉय कीजिए। रेसिपी पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और मेरी हर आने वाली न्यू रेसिपी की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।